महात्मा महाराज, आई एम फ्रॉम आंध्र बाबूजी, अपना भाषा तेलुगु है। आपका वीडियो मैंने यूट्यूब में देखा था, गाय कैट की नाभि में डालने से क्या क्या फ़ायदा बोल के, उसको मैंने यूज़ किया, काफ़ी फायदा हुआ मेरे को। ऐसा ही मेरे एक दोस्त था, उसका हाई शुगर था महाराज, उसका रोशनी धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है। उसको भी बोला यार तू नाभि में डालो फायदा होगा बोल के, उसका भी काफ़ी फायदा हुआ महाराज। यानी ये रिकॉर्ड इज आई सेट अबाउट 50% अगेन बैक, तो अच्छा दिख रहा उसको। और दूसरा एक मेरे दोस्त था, उसका बाल चढ़ रहा था, उसका मैं बताया अभी ये राय अभी यूज़ कर ले, कह कि नाभि में डालो ठीक हो जाएगा बोला, उसका भी बाल चढ़ना था रुक गया। इज ऑल्सो वेरी हैप्पी प्रभु जी, आपके वीडियो की वजह से हम बहुत बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियोस, धन्यवाद महाराज। शर्मा जी, आपका वीडियो देखा था, गाय का घी नाभि में डालने से क्या क्या फ़ायदा है बोल के, मेरे को बहुत दिन से एक प्रॉब्लम था, एक पाँव जरा छोटा था यानी लंगड़ा जैसा चलता था मेरे, ये आपका जो दिया वो सहाय मैंने उसको यूज़ किया था, एक हफ्ता में मेरे को जवाब मिला, यानी जो लंगड़ा पाँव जो है ना वो एकदम ठीक हो गया हमारा। सो ये मैं वो डॉक्टर से किया था, नहीं हुआ जो काम एलोपैथी से नहीं हुआ वो आयुर्वेद से हुआ, जो आपने अपने बोला ना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा, ये थे वेंकट रेड्डी फ्रॉम काकीनाडा आंध्र प्रदेश, जिनका की एक दिन मुझे कॉल आया यूट्यूब पे से, इन्होंने मेरा नंबर कहीं से ढूंढा और वहां से इन्होंने मुझे फोन किया कि सर एक गाय का घी, देसी गाय का घी नाभि में लगाने से उन्हें बहुत फायदा हुआ। हालांकि जब उन्होंने कॉल किया, हिंदी में बात कर रहे थे तो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, बाद में उन्होंने व्हाट्सअप किया और फिर उन्होंने अपना वीडियो भेजा, जिससे कि मुझे पूरा क्लियर हुआ कि काफ़ी टाइम से वो लंगड़ के चल रहे थे, पाँव में लंगड़ापन था थोड़ा जैसा उन्होंने कहा है, और देसी गाय का घी लगाने से कई सालों से जो उनको तकलीफ थी वो निकल गई। उसके बाद और एक वीडियो उन्होंने शेयर किया और बताया उन्होंने कि ये बात उन्होंने कुछ अपने दोस्तों से भी कही, जिससे कि देसी गाय का घी लगाने से एक जन के बाल काफ़ी झड़ रहे थे, बालों में रूखापन था, बाल झड़ना बंद हो गया, किसी को थोड़ा आई साइट का प्रॉब्लम था तो आई साइट की तकलीफ दूर हो गई। देसी गाय का घी एक ऐसा आयुर्वेदा है, एक ऐसा अचूक इलाज है जिसकी जितनी सारी अगर मैं फायदे बताऊं तो वो कम है, बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। अब आपने खुद ही देखा कि वेंकट रेड्डी जी को सालों से तकलीफ था, लेकिन उस देसी गाय का घी रात को सोने के समय नाभि में लगाने से कितना बड़ा फायदा हुआ। तो इस अचूक देसी गाय के घी को अपने जीवन में आजमाइए, आपकी स्किन बहुत चमकदार होगी, आपके स्किन के लिए फायदा है, आंखों की रोशनी के लिए फायदा है, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, शरीर में अगर कहीं पे भी वात पित्त कफ और कुछ अगर तकलीफ है इंटरनल ऑर्गन्स को तो उसको भी रिपेयर करता है सेल्स को। इसका एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है जो मैंने लिंक में शेयर कर दिया है और आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो देसी गाय के घी का फायदा उठाइए और अपने आप को, अपने परिवार को, सबको स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। करना सिर्फ यही है, आपको नाभि में यहाँ पे इस तरह से लगाना है, नाभि जितनी आपकी डीप है, नाभि के डीप में आपको उसको यहाँ पे देसी गाय के घी को भर देना है, किसको, लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे अंदर, और थोड़ा सा ऐसे मसाज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे। तो इस देसी गाय के घी का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको उसको गर्म करना है, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में आपको लगाना है, और स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, तंदुरुस्त रखिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आपकी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती हैं कि मेरे बताए हुए ट्रिक टेक्निक से आपको इतना फायदा हो रहा है। ऐसे ही आप लोग का प्यार, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स मिलते रहे, जो मेरे लिए बहुत बहुत कीमती है। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को एकदम पॉजिटिव ऊर्जा के साथ जीते रहिए। थैंक यू सो मच।